दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे पैसे को रुपए में बदलना। पिछला वीडियो हमने देखे कि रुपये को कैसे पैसे में बदला जाता है, आज देखेंगे हम लोग पैसे को रुपये में कैसे बदला जाता है। तो फिर वही नियम है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि एक रुपया भी कितना 100 पैसे होते हैं, है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 पैसे में कितना 100 पैसे बराबर 1 रुपया कह सकते हैं, ठीक है नहीं। यानी 100 पैसे में कितना होता है 1 रुपया में 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो जब भी अगर हम लोग दोस्तों पैसे से अगर रुपये में बदले क्या करेंगे पैसे से अगर हम लोग किसमें बदलना है रुपये में बदलना है तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे 100 से हम लोग भाग करेंगे। उसका उल्टा रुपये से अगर आपको पैसे में बदलना है तो हम लोग गुना करेंगे, लेकिन पैसे से रुपये में बदलेंगे तो हम लोग 100 से भाग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा तो भाग करेंगे हम लोग। जैसे अगर हम लोग 500 पैसे है कि नहीं, इसको बदलना हमको किसमें रुपया में बदलना है तो क्या करेंगे इसको 500 और भाग कितना 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने कितना आएगा, इसको भाग करो तो 1 × 5 के बार जाएगा, 5 बार ही जाएगा, ये आपको 5 क्योंकि आप देखिए यहाँ भाग देखिए देखनी है 100 से कीजिए भाग, 1 × 5 कितना 5 और 2 0 है तो कितना आएगा 2 0 है क्या दोस्तों, तो कितना आएगा 5 रुपया हो जाएगा। यानी 100 पैसा बराबर 5 रुपया हो जाएगा। उस पर अगर आप कितना भी रहे 1200 ठीक है नहीं, 1200 पैसे इसको रुपया में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे, ठीक है नहीं। पैसे से रुपये में जाएंगे पैसे से 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 100 बार पड़ेंगे 1 × 1 × 2 यानी 1 × 12 1 × 12 आपको 12 पड़ जाएगा, फिर 1 × 1 तो 100 आएगा दोस्तों, ठीक है नहीं। 0 से 0 क्या 0, 2 से 0 क्या 2, आप किसको बुलाएंगे 1 से 0 इसको बुलाओ, ठीक है नहीं। 200 हो गया, क्या बढ़ जाएगा 1 × 2 200 यानी 1 × 2 2 और कितना 0 ये होंगे, ठीक है। इसको कितना आ गया 12 रुपये आ गए, ठीक है नहीं। आपको ये किससे 1200 पैसे बराबर 12 रुपये हो गए। जैसे 35 75 है, इसको रुपये और पैसे में बदलना है तो क्या करेंगे इसको अब हमको इसमें रुपये में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे दोस्तों हम इसको भाग करेंगे, 100 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रुपया में हो जाएगा। और कभी कभी पैसा भी हो सकता है, जैसे आप देखेंगे इसको भाग दीजिए साइड में भाग दे दो 35 75 को भाग दीजिए 100 है कई बढ़ जाएगा, यहाँ 1 है या 3 है, 3 बढ़ जाना चाहिए 3 और कितना 0 2 0 7 5 0 5 को बुला के बढ़ेगा दोस्तों 1 × 5 तो 5 हो जाएगा और कितना 5 2 0 तो 5 5 7 7 है दोस्तों। यहाँ अब देखिए यहाँ क्या आ गया दोस्तों, यहाँ रुपया भी है तो इसको रुपया बोलेंगे हम लोग, और ये जो बच गया दोस्तों इसे क्या बोलेंगे पैसा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग पैसा बोलेंगे। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 35 आपका हो गया 35 रुपये हो गया और ये जो नीचे आया ये 75 पैसे हो गया, 35 रुपये 75 पैसे हो गया। इसको भी क्या सीखा दोस्तों, मतलब इसका मतलब हम लोग ये सीखे कि जो भागफल आता वो रुपया हो गया और जो शेष बच जाता वो क्या हो गया पैसा हो गया, क्लियर दोस्तों। यानी इसका मतलब क्या 3575 पैसे में 35 रुपया 75 पैसा है। अगला देखिए क्या है, इसको फिर बदलना हम लोग इसमें रुपया और पैसे में बदलना है, कितना इसमें रुपया और कितना इसमें पैसा है तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें रुपये में बदलना है तो 100 से हम लोग इसको भाग करेंगे, क्लियर। इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे, भाग करिए यहाँ भाग कीजिए आप 38 96 में तो 100 से क्या बढ़ जाएगा 1 है या 3 थे 3 2 0 9 से 0 क्या 9 इसको बुलाएंगे 6 को बुलाएंगे के बार 8 1 × 8 8 और 2 0 तो 6 से 0 क्या 6 9 तो कितना गया दोस्तों यहाँ कितना बोले कितना रुपया यहाँ रुपया है आपका 38 रुपया और कितना पैसा 96 पैसे दोस्तों। जो भाग फैलाया उसको हम लोग रुपया कहेंगे 38 रुपया और जो बच गया शेष वो आपका पैसे हो गए यानी 96 दोस्तों। यानी 3896 पैसे में 38 रुपये 96 पैसे, क्लियर। अगला देखिए 4087 पैसे में कितना रुपया होंगे,
इसको हम लोग रुपया ही बदलना है, 100 से भाग करेंगे इसको, 100 से इसको भाग करेंगे। क्लियर, भाग कीजिए, क्या बढ़ जाएगा 44, 87, क्या बढ़ दोस्तों 1 × 4, 4 बढ़ जाएगा ये 400, 8 से 0 गया 8, 4 से 0 गया 4, 6 से 0 गया 2, 7 को बुलाओ, के बाद 1 × 4, 4, तो 400, 7 से 0 गया 7, 8 से 0 गया 8, कितना दोस्तों भागफल वो रुपया आ गया 44 रुपये, ठीक है ना, शेष बच गया 87, क्लियर ना तक, ठीक है ना। अगला लास्ट देखिए क्वेश्चन, इसको फिर रुपये में बदलना है, पैसे में है तो इसको क्या करेंगे भाग करेंगे 9 × 2 = 6, 3 100, भाग कीजिए क्या बढ़ जाएगा, यहाँ कर दिए 9 × 2 = 6, 3 के बाद 1 × 9, 9, 6 से जुड़ेगा 6, 2 से जुड़ेगा 2, ठीक 3 को बुलाएंगे, 1 × 2, 2, 2 बार 300, 3, 6, तो कितना 92 रुपये और 63, ठीक है दोस्तों, यानी 9263 पैसे में आपका 92 रुपये और 63 पैसे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।